लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज लेकर चल रही हूँ आपको दिल्ली छह की ओर, और वहीं चल के हम बना रहे हैं राज कचौड़ी। तो चलिए सब मिलकर बनाएंगे। थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, लेकिन सामान आराम से घर में हमारे को मिल जाता है और हम बनाएंगे राज कचौड़ी। सबसे पहले हम अपना डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने एक प्याला लिया है आटा गूंदने के लिए, और उसमें मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूं, और ये 1/4 हाफ हाफ की भी हाफ 1/4 सूजी लिया मैंने। सूजी आपने बारीक इसमें इस्तेमाल करनी है, और ये 2 पिंच इसमें हम सोडा डाल रहे हैं, मीठा सोडा, और इसको मिलाएंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हम गूंदेंगे अपने। ये देखिए जो डो है हमारा, इसको हमने बहुत टाइट नहीं गूंदना है। ये देखिए डो को जो हमने गूंदा है, इसको गूंदने में हमें ज्यादा पानी नहीं लगा है, और इसको हम गूंद कर अब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और फिर हम अपनी कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। ये डो हमारा रेडी है, अब इसको 5 मिनट तक हाथों से ऐसे मल लेंगे। इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ रहे हैं। लोई हमने बना के तैयार कर ली है, और अब हम इसे बेलना शुरू कर रहे हैं। चारों तरफ से इसे बराबर ही बेलना है, किनारे पतले या बीच में पतला ऐसा नहीं होना। ये देखिए बिल्कुल बराबर बेलना है। हम इसे कढ़ाई में डाल रहे हैं। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल गई है ये, और हमें इसे बिल्कुल स्लो करनी है अब गैस, और ये मंदी मंदी गैस पर ही अपने इसको घी ऐसे आप करते रहिए ऐसे ऐसे। ये हमने स्लो गैस पे पकानी है। लगभग 3 या 4 मिनट में एक हमारी जो है राज कचौड़ी तैयार होएगी। देखिए मैं इसमें अपनी दूसरी कचौड़ी भी डाल रही हूँ। मेरी कढ़ाई बड़ी है, तो इसमें मेरी आराम से 2 कचौड़ी आ जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छी फूल रही है ये, और इसको घी आप ऐसे ही डालिए। मेरी एक कचौड़ी हो गई है, और मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। देखिए आप ये देखिए मेरी जो दूसरी कचौड़ी मैंने बनाई थी, ये दोनों साइड से बहुत अच्छे सिक गई है, और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। और मैं इस पर दूसरी अपनी कचौड़ी डाल रही हूँ। ये देखिए ये भी हमारी फूल गई है, और मैं इसको पहले वाली कचौड़ी को अपनी निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने जो एक और कचौड़ी डाली थी वो एकदम बढ़िया सिक गई है, और अब हम इसको अपनी दूसरी कचौड़ी डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने सारी कचौड़ी फ्राई कर ली है ये, और ये बहुत अच्छी फूली है और क्रिस्पी भी बनी है। लगभग हम इन्हें 2 घंटे खुला छोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसको भरेंगे अंदर से। कचौड़ी हमारी तैयार हो गई है, और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी भी बनी है। ये कचौड़ी जितना बनाना आसान है, थोड़ी सी इसमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें तैयारी तो देखो, चाट बनानी है तो तैयारी तो हमें करनी ही पड़ती है, तो उसके लिए जो जो मैंने तैयार किया है वो देखिए आप। मूंग की दाल को मैंने रात को भिगो दिया था, भिगोकर मैंने पीस लिया, और उसकी मैंने पकौड़ियां बनाई है। पकौड़ियां बनाने के बाद मैंने इसे पानी में डिप कर लिया था।
ये मैंने आलू भी बॉईल करे हैं और उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मेरे सफेद छोले रात को भिगोए थे और उसको भी मैंने उबाल लिया है। आप इसमें मटर भी यूज कर सकते हो और काले चने भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने मूंग को एक घंटे भिगोया और इसे मैंने 5 मिनट पानी में बॉईल कर लिया है। ये हमारा दही है, दही हमारे को गाढ़ा ही लेना है। ये हरी चटनी है, हरी चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा हींग और नमक डाल के पी चटनी तैयार कर ली है। और ये मेरी सौंठ है, सौंठ मैंने गुड़ और इमली से बनाई है और इसके अंदर काला नमक, सफेद नमक, भुना हुआ जीरा ये सब डाला है। और ये मेरी बूंदी है जो मेरे को गार्निशिंग के लिए चाहिए, अनार के दाने और ये भुजिया। और जो मैंने इसमें मसाले लिए वो लिए सफेद नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और ये लाल मिर्च। चलिए अब हम अपनी राजकचौड़ी को भरते हैं। ये देखिए, पहले राजकचौड़ी को आप ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये हमने तोड़ना है और इसमें होल बनाना है। और इसके ये मेरी आराम से टूट रही है ऐसे कचौड़ी और अब हम इसमें अपना भरेंगे। दो इसमें मैं ये मूंग की दाल की अपनी पकौड़ी डाल रही हूँ, एक ही डालते हैं, दो ज्यादा लग रही है। एक चम्मच आलू, एक चम्मच ये छोले डाल रहे हैं हम अपने, मोठ, और अब हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, ये लाल मिर्च, और अब हम डालेंगे दही। ये दही हमें बाहर भी ऐसे थोड़ी थोड़ी सी डालनी है ताकि हमारी राजकचौड़ी और सुंदर लगे। ये देखिए, और इसके अंदर अब मैं हरी चटनी डाल रही हूँ। अब इसमें हम रेड अपनी लाल वाली सौंठ डाल रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक आधी चीज नहीं है तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये टेस्ट वैसे ही रहता है। अगर आपने छोले उबालना भूल गए हैं या दाल भिगोनी भूल गए हैं तो इसमें कोई वो ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें हम अनार डाल रहे हैं, थोड़े से हम बूंदी डाल रहे हैं, ये हमने अपने भुजिया डाल दी, ये हम जीरा डाल रहे हैं और इस पे मैंने लगा दिए हरे धनिया की पत्ती। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी राजकचौड़ी। तो आप इसे घर में जरूर बनाना और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बाय।